एवरीवन, वेलकम बैक टू रियल होममेकिंग वंस अगेन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो ये मेरे ससुराल का एक और ब्लॉग है। मैं अभी बाहर कपड़े धोकर सुखाकर गई थी और जैसे ही मैं अंदर गई वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई। देखिए गीला भी हो गया है बाहर का। तो मैं बाहर आई, अभी सारे कपड़े बाहर से अंदर मैं आंगन में डाल कर आई हूँ और गोविंद अभी अपनी माँ जी के साथ खेल रहा है। आजकल गोविंद की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो वो मुझसे तो खाना चाहता ही नहीं है, इसीलिए मम्मी उसको प्यार से बहला फुसला के खाना खिलाती हैं। एक्चुअली हम मम्मियों में ना इतना पेशेंस होता भी नहीं है बच्चों के लिए, बट ग्रैंड मदर्स में चाहे नानी हो चाहे दादी हो, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए बहुत पेशेंस होता है। तो आप देख ही सकते हो कितने नखरे वो कर रहे हैं और मम्मी तब भी उसे इतने ही प्यार से खाना खिला रही हैं। मम्मी ने आज बहुत ही यम्मी, ये देखिए, मिल्क मेड की बर्फ़ी बनाई है। एक्चुअली मम्मी मलाई से घी निकालती हैं और जो घी निकालने के बाद जो खोए का रेसिड्यू रह जाता है ना, उसको थोड़ा सा और सेका मम्मी ने ऐसे ब्राउन होने तक, और उसमें थोड़ा सा डाला दूध। लाइक जितना ये खोया है ना, इसमें आधा कप के अराउंड दूध डाला और थोड़ी सी चीनी, और उसके बाद सेकने के बाद देखिए ये बहुत ही यमी बर्फ़ी। आप इसकी बना लीजिए या इसी तरीके से हलवे की तरह आप खा लीजिए, बहुत टेस्टी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मुझे तो ये नई रेसिपी लगी और ईजी भी है। लाइक जो लोग घर में घी निकालते हैं मलाई से, तो वो रेसिड्यू तो बचता ही बचता है, तो आप उसे फेंके ना, इस तरीके से आप यूज़ कर लें। आपके घर में एक सिंपल सी स्वीट डिश बन जाएगी। मम्मी आपकी खोए वाली बर्फ़ी बहुत अच्छी बनी है, मैं अभी टेस्ट करके आई हूँ, सबको मैंने शेयर की है रेसिपी। हाँ, तो वो तो हम 8 दिन की मलाई फ्रीज़र में रख देते हैं डेली। 8 दिन की जब हो जाती है तो बहुत अच्छी बनी है, आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। उसका मिल्क केक का टेस्ट आता है। हाँ, जो मिल्क केक आता है बिल्कुल वैसा लगेगा, बहुत टेस्टी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अभी मैं लगी हूँ लंच की प्रिपरेशन करने में। आज बहुत ही सिंपल तुरई की सब्ज़ी बननी है। जैसा कि मैंने कुछ व्लॉग्स पहले भी आपको बताया था, हमारे यहाँ घिया, तुरई, लौकी, ये सब सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाई जाती हैं। तो बस मम्मी ने तुरई अभी काटी है और मैं इसे छौंक दूँगी। थोड़े से घी में हींग जीरा डाला है, हल्दी पाउडर, और फिर तुरई डाली है, नमक, धनिया जीरा पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च। बहुत ही बेसिक सब्ज़ी है, बहुत ही झटपट बन जाती है, बट मम्मी पापा को ये सब खाना बहुत पसंद है। तो अपने लिए तो हम सब खाना बनाते ही रहते हैं, बट कभी कभार हम बाहर रहने वालों को ये मौका मिलता है जब अपने मम्मी पापा के लिए खाना बनाए, तो एक खुशी अलग होती है। तो बस थोड़े से दिन हूँ, तब तक मम्मी को गरम गरम रोटियाँ, पापा को गरम गरम रोटियाँ अपने हाथ की बना के खिला रही हूँ। उसके बाद तो फिर मम्मी को करना ही है अपने आप। तो बस अभी हम लोग मिल के काम कर रहे हैं। मम्मी सर्व कर रही हैं पापा को, और उसके बाद मम्मी गोविंद को खाना वगैरह खिलाएंगी अगर वो खाएगा तो, और उसके बाद फिर हम दोनों तो साथ में बैठ के एक साथ खाना खाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। कल दोपहर के बाद मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया क्योंकि गोविंद की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। उसे वायरल हुआ है लास्ट 2-3 डेज से, और उसे कफ़ बहुत ज़्यादा है। तो कल तो जो भी वो कुछ खा रहा था ना, तो वॉमिट कर दे रहा था, तो मेरा मूड बहुत ख़राब था और मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं किया। तो इस व्लॉग को मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी बस मॉर्निंग का काम नीचे से फिनिश वगैरह करवा के मैं ऊपर आई हूँ। अभी रूम को थोड़ा सा मुझे क्लीन करना है, और पोछा झाड़ू वगैरह हो गया है, जो हाउस हेल्पर आती है उसने क्लीनिंग कर दी है। बस मुझे अपना रूम थोड़ा सा ठीक ठाक करना है, और रूम में आई हूँ तो सोचा कि थोड़ा सा अपनी अलमीरा का सामान आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और जो भी कुछ सामान मेरा यहाँ पर रखा है वो आप लोगों को दिखा दूँगी। क्योंकि हमारे साथ क्या होता है ना कि आधा सामान मेरे पास शिकागो में है, थोड़ा बहुत सामान दिल्ली में रखा है, और थोड़ा बहुत सामान यहाँ है। तो सारा सामान हम लोगों का बाइफरकेटेड रहता है, एक जगह पे सामान नहीं रहता। इसलिए जो भी मेरे पास यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी शादी का, और फिर नीचे जाऊँगी, लंच वगैरह बनाऊँगी। और हाँ, मैं अपने हाउस टूर ब्लॉग में ये दिखाना भूल गई थी कि मेरे रूम के बाहर बहुत अच्छी सी बालकनी है। तो ये मेरे रूम के बाहर बालकनी का व्यू है। अभी मैं बालकनी में खड़े होकर ब्लॉग कर रही थी। यहाँ पे बहुत ट्रैफिक का शोर आता है, बिल्कुल हमारे घर के सामने ही रिंग रोड है, तो बहुत शोर रहता है ट्रैफिक का। यहाँ पे डे टाइम में तो बहुत रहता है, जैसे कि आप सुन ही सकते हो, रात में ट्रक्स का शोर बहुत रहता है। तो एनीवेज, चलो अंदर चलते हैं। थोड़ी सी पहले क्लीनिंग करती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों के साथ सामान शेयर करती हूँ। From up here world seems small, we can sit together. It's so beautiful, you and me. अंदर लाइट चली गई है तो मैंने सोचा मैं बाहर ला के आपको सामान थोड़ा सा दिखाती हूँ कि क्या क्या हमने एक दूसरे को अपने कोर्टशिप में गिफ्ट किया था। यू नो काफ़ी सारे मेरे फॉलोवर्स हैं जो अभी शादी उनकी होने वाली है, तो यू माइट गेट सम आइडियाज़ कि क्या क्या आप गिफ्ट कर सकते हो अपने स्पाउस को। तो ये देखिए, ये हार्ट शेप का सिल्वर बॉक्स है, ये मैंने गिफ्ट किया था अंशुल को। ये इस तरीके से ओपन करके मैंने ये कलरफुल शीट्स लेकर ऐसे हार्ट शेप में इन्हें कट किया था एंड इनके पीछे मैंने मैसेजेस लिखे हुए हैं। तो ये देखिए हार्ट शेप के मैंने इस तरीके से बहुत सारे मैसेजेस मैंने लिखे थे इसके अंदर, और इसके अंदर ऐसे हाफ हाफ फोल्ड करके मैंने इन्हें रखा था। तो एक ये गिफ्ट मैंने अंशुल को दिया था कोर्टशिप के टाइम पे। ये हमारे एंडलेस कार्ड्स हैं जो हम एक दूसरे को भेजा करते थे। ये देखिए, ये सारे कार्ड्स मेरे यहाँ रखे हैं। मैं कुछ स्पेशल वाले आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, अंशुल ने मुझे बहुत कार्ड्स भेजे हैं, मैंने तो एक दो ही उनको दिए हैं, बट ही इज़ अ वेरी फॉन्ड ऑफ गिविंग कार्ड्स, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे कार्ड्स दिए थे। लाइट आ गई तो मैं वापस अंदर आ गई और अब मैं आपको सामान अंदर से दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरे कुछ शादी के पर्सेस। ये वाला तो बिल्कुल ब्रांड न्यू रखा है मैंने, अभी तक इसे एक बार भी यूज़ नहीं किया। ये मेरा पर्स है, ये मैं दिल्ली से लेकर आई थी। एक मेरा ये वाला पर्स है। उस टाइम पे ना पोटली पर्सेस का बहुत ज़्यादा फैशन था, मुझे नहीं पता कि अभी भी पोटली पर्सेस चल रहे हैं या नहीं, बट ये 2015 में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे। थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने अपने लहंगे के साथ लिया था शादी के दिन। तो ये बहुत ही प्रिटी, बहुत छोटा सा पर्स है, इसमें कुछ ज़्यादा सामान नहीं आएगा, बट यस इट वॉज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। एक्चुअली इसको मैंने यूज़ भी किया है, इसका एक हैंडल टूट भी गया था, बट ये ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इसको इस तरीके से कैरी किया था। बताइएगा कैसा लगा। तो ये मेरे दो पर्सेस हैं जो मैंने थोड़ा सा ट्रेडिशनल वाले पर्सेस जो लिए थे। और मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये एक सिल्वर का फ्लावर पॉट है जो मेरी मम्मी ने मुझे दिया था। मैंने सोचा था कि यहाँ पे रूम में लगाऊंगी, बट कभी रुकना ही नहीं इतना हुआ कि मैं इसे रूम में लगाऊँ, तो ये इसी तरीके से पैक्ड रखा है। सोच रही हूँ इस बार मैं अपने साथ से ले जाऊँगी शिकागो, वहाँ जाके फिर मैं कहीं पर इसे डेकोरेट कर दूँगी। बहुत सुंदर है। ये देखिए, ये मेरा मेकअप किट है जो मैं शादी में लेकर आई थी, फुल ऑफ स्टफ था ये। अभी इसे मैं खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, अब इसमें बस दो चार चीज़ें ही पड़ी हैं जो मेरे काम की नहीं है। तो ये ऐसे खुलता था और पूरा डीप है ये अंदर से। इसमें मैं सारा अपना मेकअप का सामान लेकर आई थी। काफ़ी बड़ा है तो इसे मैं कभी लेकर नहीं गई अपने साथ, इसलिए यहाँ पर रखा हुआ है। एक चीज़ ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, हमारे यहाँ ना फेरे के टाइम पे शिक्षा पढ़ी जाती है। जो मेरी छोटी बहनें हैं, चाहे चाचा की लड़की, चाहे मौसी की, चाहे बुआ की, जो भी लड़कियाँ होती हैं वो अपनी बहन के लिए शिक्षा पढ़ती हैं। तो ये देखिए, मेरी बहनों ने ये शिक्षा बनाई थी, इस तरीके की होती है। आप YouTube पे सर्च करिएगा शिक्षा करके तो आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने भी ऐसे YouTube से ही शायद देख के इस तरीके से शिक्षा लिखी जाती है, और फिर फेरे के टाइम पर पढ़ के उन्हें मेरे ससुराल वालों से नेक मिलता है। तो ये देखिए, ये ब्यूटीफुल सी शिक्षा बनाई थी मेरी बहनों ने। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना ये पूरा साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज़ वगैरह रखने का सेट जो मेरी मम्मी ने मुझे दिया था। तो इसके अंदर ना इस तरीके के पैकेट्स हैं जिसमें आप सब कुछ रख सकते हो। तो ये देखिए, बैंगल बॉक्स था छोटा सा वॉलेट है। इसी तरीके का मेरे पास एक बिंदी का भी पाउच है। ये थोड़ा बहुत अगर आपको चूरन वगैरह या मेडिसिन वगैरह कहीं ट्रैवल में लेकर जानी है तो उसके लिए है ये किट। ये पूरी किट है, इसमें अंडरगार्मेंट्स रखने के लिए अलग पाउच था, साड़ी रखने के लिए अलग पाउच है, ब्लाउज़ रखने के लिए अलग पाउच है। तो बहुत ही प्यारी सी ये मम्मी ने किट बनवा कर दी थी। ये देखिए, ये ज्वेलरी बॉक्स है, छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स है। इसके कुछ पाउच तो मैं ऑलरेडी ले जा चुकी हूँ, बट कुछ पाउच रखे हुए हैं। ये देखिए, ये मेरा हैंकरचीफ पाउच है। अब मैं आपको अपने कुछ एथनिक वेयर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा प्रिटी पिंक कलर का सूट है। एक ये साड़ी है मेरी, सिल्क की साड़ी है, इसे मैं कभी पहनूंगी तो ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए, तो इस तरीके के मैंने बैग्स में ही सब कुछ अपना पैक करके रखा है। ये मेरा एक रेड कलर का फ्लोर लेंथ सूट है। ये मेरा एक ये सूट है, ये मेरी साड़ी है, इसे मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहना। ये डबल शेड में साड़ी है, थोड़ा सा पिंक है और थोड़ा सा इसमें नेट का कपड़ा लगा हुआ है। बहुत ही प्रिटी इसका ब्लाउज़ मैंने सिलवाया था बट कभी चांस नहीं लगा इसे पहनने का। तो ये मेरी एक साड़ी है और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना ओढ़ना। हम लोगों के यहाँ ना ओढ़ना भी पहना जाता है, तो शादी के टाइम पे हम लोगों को चुनरी दी जाती है, जो आपने कई बार देखा होगा। मेरे लास्ट करवा चौथ ब्लॉग आप देखिएगा, उसमें मैंने अपनी चुनरी पहनी है। और जब लड़की को बेटा हो जाता है तब मदर के यहाँ से, लाइक मेरी मम्मी ने मुझे ये ओढ़ना दिया था। ये इस तरीके से होता है। और जो भी मेजर पूजाज वगैरह होती हैं, जैसे करवा चौथ की पूजा या कोई भी पूजा वगैरह होती है, तो उसमें हम ये पहनते हैं। तो अभी यूएस में तो मेरे पास चुनरी है, इसीलिए इसको मैंने यहाँ पर अच्छे से सेव करके रखा हुआ है। कभी इंडिया आऊँगी और कोई पूजा वगैरह पड़ी तो ये पहनूँगी। अब मैं आपको अपने शादी के टाइम के कुछ फुटवेयर्स दिखाती हूँ। ये देखिए, एक ये फुटवेयर है जो मैंने अपने लहंगे के साथ पहने थे, शादी वाले लहंगे के साथ। एक ये वाला फुटवेयर है जो मैंने अपने गोद तिलक के टाइम पर पहना था। गोद तिलक का लहंगा तो आपने देख लिया है, जो पिंक कलर का मैंने अभी पहना था भागवत के दिन। तो अगर वो ब्लॉग आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो ज़रूर देखिएगा। उसके साथ मैंने ये वाला फुटवेयर पहना था। एक ये फुटवेयर है जो अंशुल ने मुझे गिफ्ट किए थे। ये कोच के मेरे सैंडल्स हैं। अभी तक मैंने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पहना, इस बार सोच रही हूँ इसे लेकर जाऊँगी अपने साथ। बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं ये पहने हुए। अभी इवनिंग का टाइम है और हम लोग निकले हैं हमारे एक रिलेटिव के घर जाने के लिए। मेरी मम्मी की बुआ हैं, वो काफ़ी टाइम से हम लोगों को बुला रही थी, तो बस उन्हीं के घर जा रहे हैं अभी हम लोग। Like a bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see। और ये देखिए, ये है मेरा आज का आउटफिट। जो सूट मैं अभी आपको कुछ देर पहले इस वीडियो में दिखा रही थी, वही सूट मैंने सोचा मैं पहन लेती हूँ। और ये सिंपल सा लुक मैंने क्रिएट किया है। और बस हम लोग पहुँच चुके हैं मम्मी की बुआ के यहाँ पर। थोड़ी देर बैठे, खाया पिया, नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद फिर वापस हम लोग घर ही निकलेंगे, क्योंकि गोविंद बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है आज। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। एक्चुअली आज गोविंद की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कफ़ कर रहा है। मतलब उसका कफ़ ना रुक ही नहीं रहा है, कि बार बार कफ़ कर रहा है। और कफ़ की वजह से ना जो भी वो खा रहा है वो सब वॉमिट कर दे रहा है। तो अभी बस मैं ऊपर रूम में आई हूँ। ये ब्लैंकेट्स वगैरह मुझे लेकर जानी है, क्योंकि आज मैं मम्मी के रूम में ही सो रही हूँ। क्योंकि मम्मी को और पापा को ना थोड़ी सी एंजाइटी हो जाती है कि बच्चे 4-5 दिन के लिए आते हैं इतने सालों बाद और फिर बीमार पड़ जाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो मम्मी ने कहा कि तुम मेरे रूम में ही सो, मेरे पास सो, जिससे कि मैं भी गोविंद को देखती रहूँगी रात भर। तो अभी बस मैं उसको, गोविंद को नीचे छोड़ के आई हूँ। आज मैंने उसके लिए खिचड़ी बनाई थी डिनर में, उसने वो भी नहीं खाई और कुछ भी नहीं खाया उसने। मतलब मॉर्निंग में ही थोड़ी सी आधी रोटी मम्मी ने ही खिलाई थी, बड़ी मतलब खुशामद करके उसकी, तो वही उसने खाई हुई है। और उसके बाद उसने कुछ भी नहीं खाया और 2 बार वो वॉमिटिंग कर चुका है। तो थोड़ा सा तो मम्मी पापा घबराए हुए हैं। देखते हैं, कल उसे डॉक्टर के दिखाएंगे। उसका कफ़ बहुत ज़्यादा है। लाइक उसे 3 दिन पहले फ़ीवर हुआ था रात को, बट फीवर तो उसको क्रोसिन वगैरह, सॉरी टेलेनॉल में लेकर आई थी यूएस से, तो वो मैंने दी, जो कि क्रोसिन ही होती है, तो वो उससे ठीक हो गया। बट उसको कफ़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। तो भी एंटीबायोटिक दी थी तो वो भी काम नहीं करी है। तो पापा ने बोला कि कल चाइल्ड स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन को किसी को दिखाएंगे प्रॉपरली और फिर मेडिकेशन कराएंगे। पता नहीं, बच्चा है ना, बार कहीं जा रहा है, हवा पानी चेंज हो रहा है, इस वजह से भी बच्चे बहुत जल्दी इन्फेक्शंस कैच कर लेते हैं। और अभी मौसम भी चेंज हो रहा है। जब हम आए थे तो बहुत गर्मी थी और अब बरसात हो रही है, तो बरसात में तो बच्चे थोड़ा सा बीमार पड़ ही जाते हैं। जो यही सब था, बुरा लगता है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने फूल हैं और ये बीमार पड़ जाते हैं, कुछ नहीं खाते। तो मतलब ना घर में सभी बड़ों का बिल्कुल मन नहीं करता कुछ खाने का। आज खिचड़ी बनी थी और आलू परवल की सब्ज़ी बनी थी डिनर में, तो किसी ने भी मन करके नहीं खाई। खिचड़ी भी जरा सी बनाई थी, वो भी बच गई। तो ना पापा ने खाना खाया ठीक से, ना मैंने, ना मम्मी ने। बस सभी का यही हो रहा था कि गोविंद खाना नहीं खा रहा, गोविंद परेशान है, गोविंद बीमार है। तो यही सब है। बट चलो बच्चे हैं, इसी तरीके से गिरते पड़ते बीमार होके बड़े हो जाते हैं, फिर ये सब चीज़ें हम भूल जाते हैं कि बच्चे भी कभी परेशान हुए, उन्हें बीमारी हुई और वो ठीक हो गए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बस अभी मैं ये ब्लैंकेट्स लेके जाती हूँ नीचे और आज मम्मी के पास सोऊंगी। तो इसी के साथ यहाँ पे इस व्लॉग को वाइंड अप करती हूँ। होप करती हूँ ये व्लॉग आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। अगर आपको इस व्लॉग का थोड़ा सा भी कोई भी सीक्वेंस पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं। और अगर आप इतना सभी मुझसे कनेक्ट करते हैं तो उस रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको फ्यूचर वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा मेरे डेली अपडेट्स के लिए। फिर से मिलेंगे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए। टेक केयर, बाय।